खबर जैसलमेर से है, जहां मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बीएल बुनकर ने बताया कि राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत टोबैको फ्री यूथ कैंपेन 2.0 का जिले में प्रभावी क्रियान्वयन करने के लिए सभी चिकित्सा अधिकारियों और विभागीय कर्मियों को निर्देशित किया गया है। तंबाकू उत्पादों का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उन्होंने बताया कि जिले में आगामी 23 नवंबर 2024 तक टोबैको फ्री यूथ कैंपेन 2.0 का आयोजन किया जा रहा है तथा विभागीय कर्मियों द्वारा पंचायती राज विभाग, शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, अन्य विभागों के सहयोग से जिला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ द्वारा जन जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि तंबाकू में उपस्थित जहरीले तत्व बालों का झड़ना, दांतों में सड़न, फेफड़ों का कैंसर, पेट का अल्सर आदि बीमारियों के कारण बन सकते हैं। उपभोगियों की पहचान कर तंबाकू मुक्त परामर्श एवं उपचार प्रदान करना, हेल्थ वर्कर्स को मोबाइल एप्लीकेशन पर तंबाकू मैसेज प्रसारित करने की संबंधी गतिविधियाँ लगातार आयोजित की जाएंगी। जैसलमेर जिले में 26 सितंबर से लेके 23 नवंबर 2024 तक टोबैको फ्री यूथ कैंपेन 2 का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसके तहत चिकित्सा विभाग और सहयोगी विभागों के सहयोग से इस अभियान को प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए गए हैं, जिसके तहत विभिन्न प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि तंबाकू के उपयोग करने से जो हानि हो रही है उसके आम जन को जानकारी दी जाएगी, साथ ही दुष्परिणामों की जानकारी दी जा रही है। विभिन्न विभागों को के परिसरों को जो है तंबाकू मुक्त परिसर घोषित करवाने की कार्रवाई की जा रही है। विशेष रूप से चिकित्सा विभाग के जो हमारे हॉस्पिटल्स है, आंगनबाड़ी सेंटर्स है, विद्यालय, विभिन्न प्रकार के विद्यालय है वो है, और समस्त जो सरकारी कार्यालय है उनको तंबाकू मुक्त घोषित करवाने की कार्रवाई की जा रही है। धन्यवाद। जैसलमेर से अशोक गिरी की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज़।